हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक आ गई हूँ मेकअप वीडियो लेके। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और जो आप मेरा मेकअप लुक देख रहे हैं, जस्ट उसी की वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैंने मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। आप पूरी वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, और आप लोग मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को मेरा मेकअप। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी मैं और भी बेटर वर्क कर सकूँगी। और बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से अच्छी मेकअप वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए मेरे मेकअप लुक को देखते हैं कैसे क्रिएट किया है, और बताना आप लोग मेरे मेकअप के बारे में। तो चलिए। तो आप लोगों को पता ही है सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा है। जो वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा। यस, टोनर। टोनर बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। और बिल्कुल भी स्किप ना करिए, चाहे आप मेकअप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसे ज़रूर आपने डेली रूटीन में, स्किन केयर में इसको डालिए, डेली यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चराइज़र, ये भी कंपल्सरी है, डेली यूज़ करना है आपको। बिल्कुल अपनी स्किन को अच्छा, फ्रेश और मतलब हाइड्रेट करने के लिए बिल्कुल मॉइस्चराइज़र तो ज़रूरी, मॉइस्चराइज़ करने के लिए बिल्कुल लगाना चाहिए, स्किप ना करें, नहीं तो आपकी स्किन बेकार हो जाए। हमें पता है आजकल के टाइम में जो इतना पोल्यूशन या कुछ भी इतनी प्रॉब्लम्स है, तो बिल्कुल अपनी स्किन का केयर करनी ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसको स्किप ना कीजिए। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। एंड देन थर्ड स्टेप है ये प्राइमर, मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन प्राइमर है और बहुत ही रिजनेबल है। तो बस इसको हम लगा लेंगे, तो इससे आपको पता है कि जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से हमारे फेस पे लगता है। क्या कैसा नहीं होता, नहीं तो इधर उधर मतलब वो अच्छे से लगता नहीं। अगर हम प्राइमर प्राइमर लगाने से ना, वो उसकी फाउंडेशन की लेयर बहुत अच्छे से लगती है, मतलब बहुत ही बढ़िया से मेकअप हमारा होता है। तो बिल्कुल प्राइमर बिल्कुल भी स्किप ना करें, और हमारी स्किन को भी बचाता है इन फाउंडेशन और जो भी हम इतने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर, ये NYB का है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये आप अपने डार्क सर्कल जहाँ जहाँ आपको लगता है स्पॉट्स हैं उसको हाइड करने के लिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो तो बिल्कुल वो कलर करेक्टर का, जो स्किन करेक्टर के आते हैं कलर करेक्टर, आप उसको यूज़ कीजिए। तो मुझे नीड नहीं लगती तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज से इसको अच्छे से लगा लूँगी। इसको अच्छे से लगा लेना स्किन पे, ताकि ये देखिए। और बिल्कुल अगर किसी के डार्क स्पॉट्स हैं तो वो बिल्कुल कलर करेक्टर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, तभी हमारा मेकअप अच्छे से, नहीं तो वो स्पॉट्स नहीं हाइड होते हैं। तो अभी ये मैं लैक्मे का फाउंडेशन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको फिंगर की मदद से अच्छे से टैप टैप करके लगा लूँगी फेस पे पहले ऐसे। चाहे तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे यूज़ कीजिए। एंड देन इसको फिर से मैं स्पॉन्ज से ऐसे इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। बिल्कुल जब तक आप फाउंडेशन इन सबको अच्छे से फेस पे नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपको कोई मेकअप अच्छे से नहीं लग सकता, क्योंकि ज़रूरी है कि फाउंडेशन कंसीलर बहुत अच्छे से हमारे फेस पे लगना चाहिए। तो आराम से इसको अच्छे से लगाना है, कि ये नहीं कहीं छूट जा रहा है, कहीं लगा हुआ पड़ा, कहीं मोटी लेयर है कहीं पतली। इस लेयर को ना एकदम इक्वल करना है हमें पूरे चेहरे पर, कि कहीं मोटी कहीं पतली ऐसे नहीं, तो फिर वो मेकअप हमारा ना अच्छे से नहीं होता है और फिर वो नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा लग चुका है। अब मैं इसको फिट मी, ये मेबलिन फाउंडेशन, अरे सॉरी कॉम्पैक्ट है, इससे मैं सेट करूँगी। आपको पता है कि फाउंडेशन लगाने के बाद हमें उसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, आप चाहे ब्रश से सेट करें, इसमें आता ही है ये पैड, तो मैं इसके थ्रू ही इसको मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। मैं दोनों से ही सेट कर लेती हूँ, जैसा जो मेरे को सामने दिख जाए बस वही वाली बात है। तो इसको अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लेना है। ये पूरा मैंने सेट कर लिया अच्छे से। एंड देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो किट। तो आपको पता है हमारी आईब्रोज़ को सुंदर दिखने के लिए उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, उसमें फिलिंग करना बहुत ज़रूरी, तो तभी हमारी आईब्रोज़ बहुत ही सुंदर, मतलब जो हमारा आई मेकअप है ना वो इतना मतलब उभर के अच्छे से आता है, तो ज़रूरी है हमें लगाना। तो आराम आराम से लगाना है। मैं मोस्टली ज़्यादातर ब्राउन शेड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ब्लैक लगाने पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लगती है मेरी आईज, तो मैं ब्लैक बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो ब्राउन शेड से ही मेरी आईब्रोज बहुत सही लगती है। तो ये मैंने अपनी
आईब्रोज फिल कर रही हूँ, आराम से करना है। आगे से हमेशा पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो कई बार होता है ना उधर डार्क हो जाता है, फिर हमें वहाँ थोड़ा सा लाइट रखना, तो थोड़ा पीछे से ही करिए, ताकि उससे क्या होता है कि वो चीज़ सही से लगती है। अब मैं इसको ठीक कर लूँगी, थोड़ा सा अच्छे से ये सेट हो जाएगा। मैंने फीलिंग देखिए कितनी बढ़िया से सेट हो गई है, तो बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ हो जाता है। मैं यही कहूँगी हमेशा हर वीडियो में, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर होता है। बस अब ये मैंने दूसरी आईब्रो भी सेट कर ली है, ये देखिए बस थोड़ा सा हल्का सा आगे से मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी पतली लग रही है, तो बस इसको भी मैं ऐसे करके देखिए अब हो गई दोनों इक्वल, अच्छी लग रही हैं। अच्छा कि इसको लगता है कि दोनों आईब्रोज में थोड़ा डिफरेंट होता है, मुझे भी ऐसा लगता है। ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये आई पैलेट ना मुझे इतना पसंद आया, मैंने अमेज़ोन से मंगाया और ये आज ही आया। मैंने कहा क्यों ना मैं आज ही इस पे एक मेकअप लुक क्रिएट कर लूँ। मैंने कहा देखो इसका ना, मतलब मैंने व्यूज़, मतलब वो क्या बोलते हैं, सब लोगों ने अपने व्यूज़ दिए थे कि मतलब बहुत ही अच्छा है ये। मैं लाइट पिंक कलर, बहुत ही लाइट शेड है, ट्रांजिशन कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं, और मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। दिखने में नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं लगाने के बाद पता चलेगा, तो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रंट, आपके सामने ही फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये आई पैलेट। अब भी खोला ही है मैंने इसको, तो वाह अच्छा है ये, सीरियसली बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। मतलब मैंने किसी का ना इसके लिए नेगेटिव कमेंट देखा ही नहीं, सब ये कहते बहुत अच्छा। और ये अप्रॉक्स 1000 कुछ ऐसे ही, मतलब 1100 के करीब ऐसे ही कुछ पड़ा, और सही भी है, बहुत ही अच्छा। इसमें सारे कलर, जिसको ये होता है ना कि मुझे कम में ही चाहिए, मतलब एक में ही सारे कलर चाहिए, तो आपको इसमें वो सारे कलर मिल जाएंगे। सीरियसली इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से पिगमेंटेड भी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ले सकते हैं, जिसको ये लगता हो कि मुझे एक ही आई शेडो पैलेट में सारे कलर चाहिए ना, तो आप जाके ये ख़रीद लीजिए। स्टार मेकर्स का है शायद, यही लिखा था इस पे, तो मैंने ना उस दिन चेक करी थी कि मुझे सारे कलर वाला भी एक चाहिए, तो मैं चेक करती हूँ, मैंने इसके रिव्यू बहुत अच्छे पड़े, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। तो मैं दूसरी आईज़ पे भी ये ट्रांजिशन कलर लगा लूँगी, ये मैंने लगा लिया, देखिए लाइट, बहुत लाइट पिंक कलर है। एंड देन अब मैं ये यूज़ करूँगी दूसरा, ये पिंक उससे थोड़ा डार्क है, ये मैं लगाऊँगी अपनी आईलिड पे, इसको मैं सिर्फ आईलिड पे ही लगाऊँगी, क्योंकि जो मैं ड्रेस वेयर करने वाली हूँ, ड्रेस क्या साड़ी वेयर करने वाली हूँ, वो मेरी कुछ पिंक पर्पल ऐसे ही कुछ है मिक्सअप। तो ये देखिए मैंने इसे आईलिड पे लगा लिया अच्छे से, एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, अच्छा लग रहा। एंड देन मैं इसको दूसरी आईज़ पे भी लगा लूँगी। एंड देन अब मैं यूज़ करूँगी ये पर्पल कलर है, उसमें शायद वीडियो में ना मुझे लगता है कलर डिफरेंट, पता नहीं वीडियो में अलग दिखता है पता नहीं क्यों, ऐसे ये पर्पल कलर है, तो मैं इसको आईज़ के आउटर इनर कॉर्न, सॉरी आउटर कॉर्नर पे लगा लूँगी, इनर आउटर इनर कॉर्नर क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब आउटर कॉर्नर पे लगा लूँगी मैं थोड़ा सा। ये देखिए आप लोगों को पर्पल दिख रहा है, आप लोग मुझे बताना, पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो में ना कलर कुछ और ही नज़र आ जाता है। तो ये पर्पल है, डार्क पर्पल कलर है, क्योंकि मेरी साड़ी पिंक और पर्पल्स कुछ ऐसा ही है, ब्लाउज साड़ी का मिक्सअप, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ, तो कुछ ऐसा ही आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो ये मैं दोनों ही आउटर कॉर्नर पे ये मैं पर्पल कलर यूज़ कर लूँगी, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है मुझे कोने पे। ये देखिए थोड़ा सा मैं डार्क कर लूँगी इसको कोने पे, दोनों इक्वल कर लूँगी। एंड देन मैं थोड़ा ना ये मतलब गोल्डन भी नहीं गया, पिंक, इसमें स्पार्कली नहीं होता उस टाइप का कलर है ये, तो इसको मैं लगा रही हूँ यहाँ इनर कॉर्नर पे, नहीं मतलब हाफ जो बचा है मेरा पिंक जहाँ मैंने लगाया, तो ये मैं वहाँ पे आईलिड पे लगा लूँगी मैं। खैर वीडियो में ना मतलब दिखता ही नहीं है इतना मुझे लगता है ऐसा, तो मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, ये ग्लिटरी नहीं है, बहुत हल्का सा नहीं होता उस टाइप का, मैं ज़्यादा कर भी नहीं, ज़्यादा वाला मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ये हल्के वाला कर रही हूँ। सीरियसली आई पैलेट ना बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो, मुझे लगता है कि बहुत सही है। आई डोंट नो और किसी ने यूज़ किया किसी ने, लेकिन मैंने इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे पढ़े। अब मैंने जिस ब्रश से पिंक कलर किया था, पिंक आई शेडो, उसी से ना लेना नहीं है, उसी ब्रश से बस इन दोनों को ना मर्ज कर लेना है, तो मतलब ना वो एक अलग सी लुक आ जाती है कि पता नहीं चलेगा कि ये अलग ये अलग ऐसी है ना, तो तीनों का मिल जाएगा। बस मेरा ऑल टाइम फेवरेट लाइनर मैं लगा रही हूँ मेबलिन, मुझे बहुत पसंद आया है ये लाइनर, बहुत ही अच्छा है आई लाइनर ये, तो बस मैं ये आई लाइनर लगा लूँगी।
थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी विंग निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालनी है मुझे, थोड़ा सा ही निकालना है, ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं, पतला ही लाइनर लगाऊंगी। ये देख, और ये ब्लू हेवन का मस्कारा बहुत ही अच्छा मस्कारा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा ये मस्कारा है। देन उसके बाद ये कॉन्टोरिंग शुगर का है ये, और अच्छा है, पाउडर फॉर्म में है तो मैं इसको कर लूँगी। आपको पता है कॉन्टोरिंग हम क्यों करते हैं, कि हमारा एक फेस का ना अलग कट, और जो चबी है उनको तो पता ही कितनी दिक्कत होती है, जो पतले फेस वाली है उनको तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे लगता है कॉन्टोरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये मेरा ब्लश ब्लू हेवन का है, बहुत ही अच्छा है, तो ये मैं ब्लश का थोड़ा सा लगा लूँगी मैं। बहुत ही डार्क मेकअप मुझे नहीं करना है, तो मैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको ऐसे फिंगर्स की मदद से ऐसे लगा लूँगी मैं। अच्छा ये हाइलाइटर आप लोग ले सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आई लेसेस लगा लो, इससे आँखें हमारी और भी बेहतरीन और बहुत ही सुंदर नज़र आने वाली है, बहुत ही अच्छा ही है ये। ये देखिए काजल, NYB का काजल है, काजल लगाना है तभी पूरी आंखों का हमारा जो मे मेकअप है। और जो पिंक शेड लिया था वो बस मैं नीचे भी वाटर लाइन पे भी वहाँ पे भी हल्का हल्का लगा लूँगी, ये मेरा लग गया है। और जो ग्लिटर है ये मैं हाफ में लगा लूँ, क्योंकि उन्होंने ऊपर लगाया तो बस यहाँ नीचे भी, ताकि वो अच्छा लगे दिखने में, हाफ आइस पे ही लगाना है। और ये जो लिक्विड हाइलाइटर, ये इनर कॉर्नर पे मैं इसको लगा लूँगी, ताकि आईज हमारी और भी सुंदर दिखे। और यहाँ पे आईब्रोज के नीचे भी लगाना है इसको, हल्का हल्का सा फिंगर्स की हेल्प से। ये देखिए मेरा लग गया है। एंड देन ये लिपस्टिक ब्लू हेवन की बहुत अच्छी है, इसका कलर कैसा बताऊँ मैं आपको, आमंड कलर होता है ना उस टाइप का है शायद, हाँ मे बी। मैं इसका लिंक डाल दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सा कलर है। एंड देन अब मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे मेकअप को लंबे समय तक रखता है। तो ये अब मैं ज्वेलरी वेयर कर लूँगी, ये मैं हैवी नहीं बहुत पतला सेट डाल रही हूँ, और बहुत ही अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगता है। और इयररिंग्स भी मैं डाल लूँगी, ये न्यूली मैरिड भी कर सकती हैं लेडीज़ मेकअप, जो नई नई जिनकी शादियाँ हों उनको शुरू शुरू में तैयार होने का वैसे भी बहुत शौक होता है, और होना भी चाहिए, यही तो टाइम होता है। तो बस अब मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लूँगी, आज मैंने साइड की साइड से बना रही हूँ हेयर, तो बस ऐसे ही थोड़े से बाल लेके थोड़े थोड़े ऐसे, आप कॉम से कर सकते हैं, मैं फिंगर से ही कर लेती हूँ, तो मेरा हो जाता है ऐसे, बन जाता है हेयर स्टाइल, बहुत इजी और बहुत जल्दी से। आजकल बन का बहुत फैशन है, आपने देखा ही होगा कि आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा बन बनाता है, तो आजकल मार्केट में इतने इजीली अवेलेबल भी हैं, आपको तरह तरह के मिल भी जाते हैं। थोड़ा सा इसको ना फ्लफी का थोड़े से बाल खींच लूँगी तो अच्छा, और फिर पिन से इसे सिक्योर कर लेना है हमें, बस फिर सारे बालों को लेके एक सिंपल सा बन बनाएंगे। और जो डिज़ाइनर होते हो आपको पता है मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, एक रबड़ बैंड की हेल्प से आप ऐसे कर लो, और मार्केट में ऐसे मिलते हैं, आप लेके इसे इजीली आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा लिया, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं बैंगल्स भी वेयर कर लूँगी, ये मैंने बैंगल्स वेयर कर लिए, मेरा नेकलेस एंड बिंदी, ये देखिए। और देन इसके बाद अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा फाइनल लुक है साड़ी के बाद, ये देखिए आप लोग भी इजीली ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, जो नई नवेली दुल्हन है जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं तो ऐसे रेडी हो सकती हैं। आप लोगों को मैं फुल वीडियो दिखाती हूँ, ऐसे क्या करके फ़ोन नहीं आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना।